करवा चौथ के दिन पति की लंबी उम्र का व्रत रखने के बाद अब महिलाएं बच्चों की लंबी उम्र और सेहत के लिए अहोई का व्रत रखेंगे। सालों से ये परंपरा यूं ही चली आ रही है, मगर क्या आप जानते हैं कि कौन है अहोई माता और क्यों की जाती है इनकी पूजा? इस वीडियो में जान लें इन सभी सवालों के जवाब और पूजा विधि। इस बार 17 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत है। अहोई का अर्थ है अनहोनी को बदल डालना। अहोई माता की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में होने वाली अनहोनी घटनाओं को भी पूजा और प्रार्थना के जरिए टाला जा सके। इस व्रत में पूजा के दौरान अहोई माता की प्रतिकृति गोबर से घर की दीवार पर बनाई जाती है। हालांकि बाजार में कागज पर बनी अहोई माता की तस्वीर भी आसानी से मिल जाती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप खुद अपने हाथ से इस प्रतिकृति बना रहे हैं तो इसमें 8 कौष्टक की पुतली बनाई जाती है और उसी के पास बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। इस तस्वीर पर रोली, चावल और दूध से पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी की कथा सुनती हैं। अहोई माता को पूड़ी और किसी मिठाई का भोग भी लगाया जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा करते समय साथ में बच्चों को भी जरूर बिठाना चाहिए और माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को भी जरूर खिलाना चाहिए और इसके बाद रात में तारे को अर्घ्य देकर संतान की लंबी उम्र की कामना करने के बाद खाना खाना चाहिए। इस व्रत में सास या घर की बुजुर्ग महिला को उपहार के तौर पर कपड़े आदि देने का भी रिवाज है। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।